द आर्ट ऑफ मेडिटेशन, ध्यान की कला, मतलब ये तो अल्टीमेट कला है, इससे ऊपर तो क्या ही कहा जा सकता है, कुछ बताया नहीं जा सकता। इट्स अल्टीमेट, ध्यान की कला, मेडिटेशन की आर्ट। प्रैक्टिकली समझेंगे हम इस वीडियो में। देखो मेडिटेशन क्या है, सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको। मेडिटेशन है नोन से अननोन की तरफ जाना, ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाना। ज्ञात मतलब जो भी हमारे अंदर नॉलेज है, जो भी हम जानते हैं, समझते हैं, हमारा जो भी कॉग्निशन है, ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इमेजेस, ये सब कुछ बड़ा लिमिटेड है। लिमिटेडनेस से लिमिटलेस हो जाना, अनंत हो जाना, दैट्स मेडिटेशन। एंड हाउ इट्स पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? आप अभी हो, मैं अभी हूँ, इस वक्त हैं हम। इस वक्त हमारे अंदर बहुत सारे विचार हैं, थॉट्स हैं, हम चीज़ों को देख रहे हैं, जान रहे हैं। एक देखने वाला है, एक दृष्टा है, एक ऑब्जर्वर है, एक अनुभव करता है, विश्लेषण करता है, एनालाइजर है, एक है जो क्यूरियस है हमारे अंदर, कोई एक है जो मेडिटेटर है। इसको ख़त्म कर दो, एंड कर दो। बेसिकली ये सब कुछ है क्या? ये तुम्हारा विचार ही है, तुम्हारे थॉट्स ही हैं ये। मतलब मेडिटेशन मतलब ये भी ना पता लगे कि मेडिटेशन मैं कर रहा हूँ। अवेयरनेस का मतलब ये भी ना पता लगे कि मैं अवेयर हूँ। द मोमेंट यू आर नॉट अवेयर। अगर आपको पता लग रहा है बार बार कि मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो। कौन है नोअर, कौन है जो जान रहा है? आपका ज्ञान ही जान रहा है, आपकी नॉलेज ही जान रही है। वो रिएक्शंस नॉलेज के ही हैं, आपके थॉट्स के ही हैं, विचार के ही हैं। पुट असाइड, असाइड भी क्यों करने? मतलब जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी इमेजेस आपके अंदर है, बेसिकली थॉट्स ही हैं सारी, उसको बिल्कुल फ्री छोड़ दो, बॉडी को फ्री छोड़ दो। ना बॉडी कुछ कर रही है, मतलब आप नहीं कुछ कर रहे हो बॉडी के साथ, ना ही माइंड को कुछ करने दे रहे हो। उसको माइंड को बिल्कुल ओपन कर दो, जाने दो उसको जहाँ जाना है। माइंड बॉडी को रिलैक्स कर दो, जैसी बॉडी बिहेव कर रही है बिहेव करने दो। देन यू आर इन मेडिटेशन, तुम ध्यान में हो। एक सेकंड के लिए अगर आपने भी ये कर लिया, तो बरसों की रिएक्शंस चेन टूट जाएगी, जिसे कहते हैं कर्म बंधनों की। इवन फॉर अ वन सेकंड, तो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग कि इट्स प्रैक्टिकल अप्रोच है ये, कि आपने अपने आप को पूरी तरह से फ्री कर दी। इसका मतलब ये नहीं कि आपने सब कुछ छोड़ दिया, ख़त्म कर दिया, नहीं। इट्स ये हो रही है, आप सुन रहे हैं, आपने सुनते टाइम अपने आप को फ्री कर दिया। मैं बोल रहा हूँ, मैंने बोलते टाइम अपने आप को फ्री कर दिया। आने दो जो भी इमोशंस आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, फियर ऑफ जजमेंट, क्या बोला जा रहा है, कहीं कुछ गलत ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेट देम फ्री, देन देयर इज ऑलरेडी अ मेडिटेशन। मेडिटेशन कोई स्टेट नहीं है जिसको आप अचीव करोगे, इट्स स्टेटलेस स्टेट। इसका कोई बेस नहीं है, क्योंकि ये अनंत है, इनफाइनाइट है। दिस इज मेडिटेशन। और मेडिटेशन को सही से डिकोड मैं कर रहा हूँ अपने ध्यान शिविर में, अपने मेडिटेशन के कैंप में, जो कि मैं बहुत ही जल्दी करने वाला हूँ इस मेडिटेशन कैंप को। और ये कुल 3 दिन 4 रातों का मेडिटेशन कैंप होगा। आपका सात्विक खाना होगा इसमें, सिक्योरिटी, आपका ध्यान रखा जाएगा, किसी हिली एरिया में होगा, किसी नेचुरल जगह पर होगा ये मेडिटेशन कैंप। और बहुत बेहतरीन ये कैंप होने वाला है। आप लोग चाहें तो इस कैंप में रजिस्टर कर सकते हैं,
काम जीवन भर चलता रहेगा, जीवन चलता रहेगा, इंट्रैक्शन चलती रहेगी, लेकिन कुछ टाइम निकालो, कुछ दिनों के लिए अपने आप को डिटॉक्स करो, खाली करो, हील करो अपने आप को। तो इस मेडिटेशन कैंप के लिए, शिविर के लिए, जो जानना चाहता है इस शिविर के बारे में इन्फॉर्मेशन, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस शिविर के बारे में। शिविर की मैं आपको, इस कैंप की, मेडिटेशन कैंप की इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच।